हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पुष्कर के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। बस इस वीडियो पर बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलिए निकल पड़ते हैं पुष्कर की सड़कों पर। तो ये है यहाँ पीछे टैक्सी स्टैंड, और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मा टेम्पल की तरफ। अब से लगभग 12 साल पहले जब मैं यहाँ आया था 2007 में, तो यहाँ कुछ भी नहीं था, बहुत कम दुकानें थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल दुकानें तो थी कि जहाँ चाकू छुरे वगैरह मिलते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। बहुत ही सिंपल सा रास्ता था, बिल्कुल खाली खाली था, क्योंकि मुझे अभी भी याद है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बदलाव हुए हैं पुष्कर के अंदर, कितना ज़्यादा क्राउडी हो गया है पूरा इलाका, क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, किन किन जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, चाकू, लाठी, डंडे, ये सब यहाँ का ट्रेडिशन है। ये सारी सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो तलवारें हैं ये इसलिए बिकती हैं क्योंकि ये यहाँ शादी वगैरह में यूज़ होती हैं, दूल्हा इसको लेकर के चलता है, ये राजस्थानी स्टाइल है, तो इसलिए बिकती। और जो लोग यहाँ आते हैं बाहर से, वो लोग परचेज़ करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट काम है यहाँ लेदर का। तो भैया क्या क्या मिल जाता है यहाँ, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं अपने यहाँ लेदर की? लेदर के बेल्ट है, लेदर डायरीज मिलती है, और लेदर बैग मिलते हैं, साइड बैग, लगेज बैग, और ये हॉर्स लेदर का भी आइटम है। हॉर्स लेदर भी है? कितने तक का मिल जाता है बैग? 350 से स्टार्ट है सबसे छोटी साइज। ओके ओके। और फिर जैसे ये बड़े लगेज बैग है, ये 2000 तक आते हैं बड़ी साइज। तो ये है लेदर की शॉप, चप्पलें भी हैं, बैग भी हैं, सारे के सारे सामान हैं, और किफ़ायती दाम है, 350 से स्टार्ट है। और अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी चाहिए तो वो तो भैया पैसे खर्च करके पड़ेंगे आपको ज़्यादा, लेकिन हाँ एक चीज़ की गारंटी है कि चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। देखिए, एक आर्ट शॉप है यहाँ, और इस तरीके की पेंटिंग है जो कि ग्लो करती है लाइट में, वही हिप्पी टाइप का सारा सीन है। ट्रेडिशनल पेंटिंग्स भी मिल जाती हैं आपको, लॉर्ड शिवा की पेंटिंग्स मिल जाएंगी, गणेशा की मिल जाएंगी, तो इस तरीके की पेंटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती हैं। अभी ब्रह्मा टेम्पल की तरफ जाते जाते मुझे दिख रहा है आगे मार्केट थोड़ा कंजस्टेड होना शुरू हो गया है। इतनी गर्मी में भी लोग यहाँ आते हैं क्योंकि उनको दर्शन करना है ब्रह्मा जी के टेम्पल का, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ के जो यहाँ लेक है, यहाँ की कुंड है, उसमें आकर के वो लोग पूजन करते हैं, वो यहाँ की मस्ट डू थिंग है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कुंड में जाकर के पूजन नहीं करेंगे तो आपको दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। अभी मार्केट और भी ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, लगभग ब्रह्मा मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं। आप सब गुरु लोग मुझे मिल चुके हैं। उस दिन हम लोग विश्वामित्र पे गए थे तो सभी गुरु लोगों ने बाटी और वो बढ़िया आयोजन किया हुआ था वहाँ, तो मज़ा आ गया था सारे के सारे। अभी मार्केट एक्सप्लोर कर रहा था तो सारे गुरु लोग मुझे मिल गए, उन्होंने एक ये फूल मुझे गिफ्ट दिया है। बहुत ही प्यारे, सुंदर और लविंग लोग हैं यहाँ के। यहाँ आकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ, मुझे हमेशा ही एहसास होता रहा कि मैं अपने घर पे आया हूँ। सब लोगों ने इतना प्यार दिया है कि जो शायद मेरे लिए भुला पाना मुश्किल होगा। आप सब ने बहुत प्यार दिया, ये फूल भी दिया। और ये देखिए, मैं हूँ अभी ब्रह्मा टेम्पल बिल्कुल जस्ट बाहर ही है, ये रहा ब्रह्मा टेम्पल, यहाँ सब लोग मुझे मिल गए थे। और अभी मैं जा रहा हूँ डीप मार्केट में और अंदर के, देखते हैं एक बार, एक्सप्लोर करते हैं क्या है यहाँ, फूड में क्या है, ख़रीदारी के लिए क्या है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ आपको मिल सकती हैं। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यार मार्केट में बिल्कुल छीना झपटी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि जब आप टूरिस्ट एरिया में जाते हैं और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग अक्सर आपके पास आते हैं कि आइए आइए, ज़बरदस्ती आपको खींचेंगे शॉप्स में, दुकानों में। तो यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है आप देखिए, शॉप के अंदर जाइए और ख़रीदारी कीजिए। तो ये मुझे अच्छी चीज़ों में से एक लगी है यहाँ की। पहली बार मैंने कोई ऐसा टूरिस्ट एरिया देखा है कि जहाँ इस तरीके का माहौल नहीं है। ये सिद्धि विनायक मंदिर है पुष्कर का, मार्केट में ही है, तो अगर आप आते हैं तो यहाँ भी दर्शन कर लीजिएगा। तो अभी मार्केट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और मैं अब शाम को आऊँगा, शाम को आपको दिखाता हूँ, दर्शन भी करने हैं शाम को मुझे ब्रह्मा जी के टेंपल के। तो ये हमारे भाई अभिषेक जी का होटल और यहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। चलते हैं अंदर यार, पूरा मार्केट एक्सप्लोर हो गया, लेट्स गेट इनसाइड।
अभी मैंने किए हैं ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन, जो कि वहाँ पीछे है, और वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मुझे अपना कैमरा सिक्योरिटी के पास रखना पड़ा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपके पास कैमरा है आप यहाँ रख दीजिए, जब आप जाएंगे तो आप ले लीजिएगा। अच्छा लगा मुझे राजस्थान पुलिस का व्यवहार। अभी हम लोग करेंगे मार्केट को एक्सप्लोर, के यहाँ का मार्केट कैसा है नाइट में, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिन में बहुत ज़्यादा क्राउड ही रहता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि मैं शाम के वक्त जाऊंगा मार्केट को एक्सप्लोर करने। बहुत छोटा मार्केट है और ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो ज्वेलरी से रिलेटेड हैं, कपड़े हैं, और सिल्वर का यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, सिल्वर बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं तो, और सिल्वर एक्सपोर्ट भी होती है, सिल्वर ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है बाहर के लिए। शिकंजी वगैरह के स्टॉल आपको हर जगह मिल जाते हैं। भैया कितने की है शिकंजी? 20 रुपये ग्लास एक लगा दीजिए। मस्त, रिफ्रेशिंग। अभी 8:30 बजे हुए हैं, लगभग 8:30 बजे तक यहाँ का जो मार्केट है वो क्लोज होना शुरू हो जाता है, बिकॉज़ अभी ऑफ सीज़न है, होली के आसपास के वक्त में और जो सर्दियों का वक्त होता है उसमें लोग बहुत ज़्यादा यहाँ आपको कदम रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन अभी देखिए कैसा सब कुछ खाली होने लगा है, पूरा खाली खाली लग रहा है, शॉप्स में पब्लिक नहीं है, भीड़ नहीं है। मैं भी जा रहा हूँ वापस, मेरे होस्ट आज मुझे एक पार्टी में लेकर के जा रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट यहाँ का क्लोज़ होने लगता है वैसे वैसे कैफ़ेज़ में रौनक बढ़ने लगती है, बिकॉज़ दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोग इतना जल्दी निकलते नहीं, और शाम को जितने भी यहाँ लोग हैं जो यहाँ चाहे वो दर्शन करने आए और मोस्टली जो फॉरेनर्स हैं वो कैफ़ेज़ में जाते हैं। काफ़ी सारे अच्छे कैफ़ेज़ हैं यहाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक्सप्लोर करूँ। आज तो मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे शादी में जाना है। अगर यहाँ का लोकल फूड आपको एक्सप्लोर करना है तो यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ सारा का सारा लोकल फूड मिलता है, यहाँ और किसी कंट्री का फूड नहीं है, अपने टाइप का फूड है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रेडिशनल है, राजस्थानी है। जो मिठाई वाली जगह मैंने आपको दिखाई ये है गऊ घाट के पास, आप पूछ सकते हैं गऊ घाट कहाँ है, वहाँ आपको ये सारी शॉप्स मिल जाएंगी, तो ज़रूर आइएगा अगर आप फूडी हैं तो। अभी हम लोग आए हैं ट्रेडिशनल राजस्थानी शादी में, शादी है ना, क्या चीज़ है? या वेडिंग फंक्शन है, भाई लोग लेकर के आए हैं वेडिंग फंक्शन में।